हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल तनिषु व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। आज हम फिर से अपनी गॉटलैंड जर्नी के साथ वापस आ गए हैं। जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उनको तो जैसे पता ही होगा कि हमने लास्ट टू वीडियोस में विस्पी कवर किया और उसके आसपास के एरियाज़ को भी देखा। और अगर आप लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप लोग पिछली लास्ट दो वीडियोज़ भी देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग ईस्ट पार्ट देखने वाले हैं और गॉटलैंड का जो कि बहुत फेमस बीच है तोफ्ता बीच, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर चलो करते हैं आज की जर्नी स्टार्ट। ईस्ट पार्ट की पहली जगह पर हम पहुंच चुके हैं और इस जगह का नाम है फूल हामर। ये भी एक तरह का नेचर रिज़र्व ही है, तो सुंदर सुंदर ट्रेल्स बनी हुई हैं जैसे वॉक करने के लिए। और मेरे राइट हैंड साइड पे बीच है। स्वीडन में ओपन ग्रिल एंड पिकनिक कल्चर है जो वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स भी होते हैं। फूल हामर है जो, ये भी एक पिकनिक एरिया ही है। यहाँ पर जैसे ग्रिल लगा हुआ है सुंदर व्यू के साथ, तो अगर किसी ने पेट पूजा करनी हो तो उसके लिए बहुत ही सही सिस्टम है। बारबेक्यू भी हो जाएगा, अच्छा व्यू भी दिखता है और पेट भी भर सकता है। हमने इस बीच पे ऑलमोस्ट 2 घंटे स्पेंड किए एंड अभी शाम के 3 बज रहे हैं। यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो अराउंड 30 मिनट्स का डिस्टेंस है यहाँ से। गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं नार शोलमन। ये भी गॉटलैंड का अट्रैक्शन पॉइंट ही है। यहाँ आने से पहले जब हमने पिक्चर्स देखी थी तो ये जगह कुछ खास नहीं लग रही थी, बट यहाँ आकर तो काफ़ी सही लग रही है, अच्छा फील आ रहा है, डिफरेंट सी है। रास्ते में भी जैसे हम लोग को विंडमिल्स देखने को मिली और फिर लाइट हाउस तो ऑफ कोर्स यहाँ पर है ही, और एंडलेस पानी भी। आज स्वीडन का नेशनल डे है तो माहौल तो इस जगह का बहुत ही सही बना हुआ है। पीपल आर सिंगिंग है एंड अपना नेशनल डे एंजॉय कर रहे हैं।
and say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just... After a very long day, finally हम खाना खाने के लिए गए. Google पे सर्च करने के बाद हमें ये रेस्टोरेंट मिला. एंड गाइज आई मस्ट से, अगर आप लोग ये पार्ट एक्सप्लोर कर रहे हो वर्ल्ड का, तो ये रेस्टोरेंट ट्राई करना मस्ट है. इट्स अ रियली नाइस रेस्टोरेंट. खाना बहुत अच्छा था एंड एम्बियंस वाज आल्सो ग्रेट. कल हमने गॉटलैंड बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लोर कर लिया था, जिसकी वजह से हम बहुत थक गए थे. और देन वी थॉट कि आज का थोड़ा इजी रखते हैं और रिलैक्स ही करेंगे. तो फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने रिजॉर्ट के अंदर ही स्विमिंग करी थोड़ी, और फिर थोड़ा सन इन्जॉय किया. उसके बाद हम लोग तोफ्ता बीच के लिए निकल गए. तो अभी हम पहुंच चुके हैं तोफ्ता बीच. मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉटेजेस बने हुए हैं. तो ये तोफ्ता बीच के ही कॉटेजेस हैं. यहाँ पे भी आप अपना स्टे बुक कर सकते हो, बट हम थोड़ा दूर रह रहे हैं बीच से. नॉर्डिक रीजन में इसको वन ऑफ द बेस्ट बीच माना जाता है. काफ़ी बड़ी बीच है ये. बीच के अराउंड काफ़ी अलग अलग तरह की अकोमोडेशंस हैं, लाइक रिजॉर्ट भी हैं, कॉटेजेस भी हैं, और कैंपिंग की ऑप्शन भी है. अगर किसी को कैंपिंग करनी है तो ये जो आपको कैंप दिख रहे हैं, ये जस्ट तोफ्ता बीच के बिल्कुल ही पास हैं. Guys, we hope you liked this video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना. एंड आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड बेल आइकन भी दबा सकते हो, सो दैट जब हम नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए. ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.